तरह के अनोखे घर बने, कोई अजीबोगरीब डिजाइन की वजह से चर्चा में रहता है तो कोई किसी और वजह से। अभी तक आपने दुनिया के अनोखे बॉर्डर देखे होंगे जहाँ एक कदम बढ़ते ही लोग अलग देश में चले जाते हैं। लेकिन आज गजब की बात में हम आपको बताएंगे भारत के राजस्थान और हरियाणा के बीच बने एक घर जो कि काफी चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूँ शेख जूही और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। दरअसल ये घर दोनों ही राज्यों के अंदर आता है। इसके कुछ कमरे राजस्थान में हैं तो कुछ हरियाणा में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भिवाड़ी अलवर के बाईपास और हरियाणा के रेवरी दरुखेड़ा में बने एक अनोखे घर के बारे में। इस घर में कुल 10 कमरे हैं। इसके 6 कमरे राजस्थान में हैं लेकिन 4 हरियाणा में। इतना ही नहीं, अगर आप इस घर के बाहर खड़े हैं तो आप राजस्थान में हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाएंगे आप दूसरे राज्य हरियाणा में पहुंच जाएंगे। यानी दो राज्यों का सफर आप बिना बस ट्रेन की मदद के पूरा कर सकते हैं। कई साल पहले चौधरी टेकराम दायमा ने इस घर की नींव रखी। दो राज्यों के बॉर्डर पर मौजूद जमीन पर यह आलिशान घर बनाया गया था। आज इस घर में दो भाई रहते हैं। दोनों ने अपने अपने कमरों के हिसाब से घर के पेपर्स बनवाए हुए हैं। अब यहाँ भी एक गजब की बात देखने को मिलती है। एक भाई घर के जिस हिस्से में रहता है उसके एड्रेस में राजस्थान लिखता है तो दूसरा भाई एड्रेस में हरियाणा लिखता है। इतना ही नहीं, कमरों में आने वाले बिजली के कनेक्शन भी अलग अलग राज्यों के हैं। ये घर कई सालों से बना हुआ है लेकिन हाल ही में इस घर की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इलाके में तेंदुए ने कोहराम मचाया हुआ है। ऐसे में खुले में घूम रहा तेंदुआ इस घर में घुसा है। रेस्क्यू टीम ने घर में आकर तेंदुए को पकड़ा। सबसे मजेदार बात ये रही कि तेंदुए को पकड़ने के लिए दोनों ही राज्यों के वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। दोनों ने मिलकर तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। ऐसी ही और अजब गजब की बात जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। शुक्रिया।